टर्की और सऊदी के बीच कैलिफेट को लेकर एक वॉर छिड़ा हुआ है। सऊदी का एक क्लेम है कि ऑटोमन कलीफ को अल्लाह ने गिराया ताकि सऊदी को इस्लामिक वर्ल्ड का कलीफ बनने का मौका मिले। वहीं पर टर्की ये कह रहा है कि सऊदी की रॉयल फैमिली इललेजिटिमेट है और असली खलीफ हम हैं। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और ये कलीफ बनने की रेस ना इतनी वायलेंट हो चुकी है कि सऊदी ने कतर के नेवल और मिलिट्री ब्लॉकेज करवा दी है। इसकी वजह बस सिर्फ एक है, सऊदी को कतर की टर्की से दोस्ती कुछ खास पसंद नहीं है। सो चलिए जानते हैं कि ये वॉर इतना इंटेंस आखिर हुआ कैसे। सो इसके पीछे ना सबसे मेजर रीजन है इन कंट्रीज का एम्बिशन कि वो कैलिफेट बनकर बाकी कंट्रीज को कंट्रोल करें। दरअसल देखा जाए तो इस्लामिक वर्ल्ड में कैलिफेट प्रॉफिट मोहम्मद का कल्चरल और रिलीजियस सक्सेसर होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे मुसलमानों की लीडरशिप करे। लगभग 600 सालों तक कैलिफेट के जारी किए हुए फतवों ने हिस्ट्री को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे 9th सेंचुरी में जारी किए गए फतवे के कारण सोने और चांदी के कॉइन्स की जगह पर सभी इस्लामिक नेशंस पेपर मनी का यूज करने लगे। अब इससे केवल इस्लामिक कंट्रीज ही नहीं बल्कि वर्ल्ड फाइनेंस पर भी उतना ही गहरा इंपैक्ट पड़ा था। बट ये तो फिर भी बहुत पहले की बात है। लेकिन 20th सेंचुरी में भी सऊदी ने इस्लामिक लीडर होने की पोजीशन को काफी ज्यादा लेवरेज किया है। इसके दो मेजर एग्जांपल्स हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक IDB और बुर्खा इंपोजिशन। So 1975 में ना सऊदी ने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक IDB को OIC में इंट्रोड्यूस करके इस्लामिक बैंकिंग को इंटरनेशनलाइज करते हुए इसे सभी इस्लामिक कंट्रीज में शुरू किया। इससे बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज के बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम्स में शरीयत लॉ का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। ऐसा ही एक और एक मेजर डिसीजन था 1980s का बुर्खा ड्रेस कोड कंपल्शन। सो इससे पहले इस्लाम में बुर्खा ड्रेस तो था ही लेकिन कंपल्सरी नहीं था, बट 1980s में सऊदी ने इसे सहवा मूवमेंट के तहत वर्ल्ड वाइड कंपल्सरी करवाया। लेकिन अब तक सऊदी टोटल पावर एंजॉय कर रहा था क्योंकि इस्लामिक लीडर के अगेंस्ट कोई कंटेंडर नहीं था। बट 21st सेंचुरी शुरू होते ही सऊदी के लिए एक कंटेंडर खड़ा हो गया, टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयिप अर्दोगान। इन्होंने आते ही अपने लीडरशिप को इंपोज करने के लिए इस्लामिक कंट्रीज के सामने यह कहना शुरू कर दिया कि मॉस्क्स आर आवर कैंप्स, डोम्स आर आवर शील्ड्स, मिनारेट्स आर आवर स्वॉर्ड्स एंड फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर आवर सोल्जर्स। और आज दोबारा से लगभग 100 सालों बाद दो सुन्नी देश कैलिफेट के इस पावर पर अपना क्लेम चाहते हैं। इसके लिए दोनों देश का दावा है कि मेरा वाला इस्लाम असली है, जहां पर एक तरफ सऊदी वहाबिज्म को ट्रू इस्लाम मानता है। इन थियरी वहाबिज्म इस्लाम का एक रेडिकल और कंजर्वेटिव आइडिया है और ये किसी भी मॉडर्न सोशल नॉर्म्स को रिजेक्ट करता है। वहाबी आइडिया में वुमेन को स्कार्फ और लूज कपड़ा पहनना कंपलसरी है, गर्ल्स ड्राइव नहीं कर सकती और बिना किसी मेल कंपेनियन के वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, और इसीलिए ये आइडिया इस्लाम का मोनार्की का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। और वहीं पर दूसरी तरफ टर्की का सॉफ्ट इस्लाम डेमोक्रेटिक मेथड्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, सोशल जस्टिस, एजुकेशन और मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स के थ्रू इस्लाम की बातें करता है। बट एनीवे, कीपिंग द डिफरेंसेस असाइड, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि आखिर रीजन ही क्या है ये रेस स्टार्ट होने का। वेल, इसकी स्टोरी ना काफी इंटरेस्टिंग है। तो हुआ कुछ यूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद द ओनली सर्वाइविंग इस्लामिक एम्पायर द ऑटोमन्स भी खत्म हो गए। इसी दौरान टर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट कमाल आतातुर्क ने सॉफ्ट इस्लाम को प्रेफरेंस दिया, जिससे टर्की की फॉरेन पॉलिसी वेस्ट की तरफ टिल्ट होने लगे। इवन 1952 में टर्की नेटो का मेंबर तक बन गया था और फिर टर्की काफी सालों तक इसी फिलॉसफी के साथ डेवलपमेंट की राह पर चलता रहा। पर अर्दोगान के प्रेसिडेंट बनने के साथ टर्की की फॉरेन पॉलिसी वापस से मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हुई, क्योंकि उनका मानना था कि सऊदी नहीं बल्कि टर्की इस्लामिक वर्ल्ड का ट्रू लीडर है। देखो, सऊदी अरेबिया का लॉजिक ये है ना कि प्रॉफिट मोहम्मद एक अरब थे और कुरान भी अरबिक लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, मक्का और मदीना का कंट्रोल भी सऊदीज के हाथ में ही है और इसीलिए हम हैं इस्लाम के असली वारिस। लेकिन टर्की ऑटोमन एम्पायर के हिस्टोरिकल डोमिनेंस के कारण खुद को सुन्नी वर्ल्ड का नेचुरल लीडर मानता है और यह भी मानता है कि सऊदी का वहाबिज्म ट्रू इस्लाम नहीं है और इसीलिए सऊदी रॉयल फैमिली का स्पेशली सुन्नी इस्लाम पर कोई भी दावा नहीं बनता। अपने इन्हीं एजेंडास को दुनिया भर में फैलाने के लिए दोनों भी कंट्रीज अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं। टर्की एजुकेशन और कल्चर के थ्रू अपने सॉफ्ट इस्लाम को मुस्लिम तक पहुंचा रहा है और इसके लिए वो दिरलिस अर्तुरुल और द मैग्निफिसेंट सेंचुरी जैसे टर्किश ऑटोमन अथॉरिटी रीइंस्टेट करने वाले सीरियल्स को वो इस्लामिक कंट्रीज में प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा टर्किश रिलीजियस प्रीचर फेतउल्लाह गुलेन जैसे रिलीजियस लीडर्स के थ्रू वो अपनी आइडियोलॉजी कई इस्लामिक देशों में इन्फ्यूज कर रहा है। एंड नॉट जस्ट दिस, वो कई इस्लामिक देशों में अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले ऑटोमन स्टाइल्ड मॉस्क को बिल्ड करवा रहा है। इसमें से कुछ देश है जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्बेनिया, किर्गिस्तान और घाना।
वहीं पर अगर सऊदी की बात करें तो वो पिछले 30 सालों से ऑयल के पैसे से दुनिया भर में अपने ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट कर रहा है। जैसे पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, जिसमें 24,000 से अधिक मदरसे सऊदी के पैसों से चल रहे हैं। वहीं पर टर्की अभी इस फील्ड में नया है, अभी उसे ग्राउंड की पूरी जानकारी नहीं है ऐसे कह सकते हैं, और सऊदी को यहां पर अपर हैंड है। सऊदी ने तो पैसे पंप करने के साथ साथ मुजाहिद्स का भी एक वाइड नेटवर्क बनाया हुआ है, जो टिल डेट पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर बैल्कन्स तक वहाबिज्म के प्रचार में लगा हुआ है। सो अगर देखा जाए तो एज ऑफ नाउ सऊदी अरेबिया का इस्लामिक नेटवर्क ज्यादा बड़ा है, और वहीं पर टर्की ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब इसके दो मेजर कारण है। सबसे पहला ऑयल मनी। सो 1938 में ऑयल डिस्कवर होने के बाद से ही सऊदी के इकोनॉमी में एक बूम आया, इतना बड़ा कि 1987 में जहां उसकी इकॉनमी 85.58 बिलियन डॉलर्स की थी, वहीं पर 2022 में 1000 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा हो गए। जस्ट इमेजिन एक झटके में सऊदी अरेबिया कितना पावरफुल हो गया। लेकिन अगर आपको कैसे ये ऑयल डिस्कवरी ने सऊदी के ग्लोबल पॉलिटिक्स और पावर को इम्पैक्ट किया इसके बारे में जानना है, तो आप ऑयल पावर एंड वॉर ये ऑडियो बुक कुकू एफएम पर सुन सकते हो, और सारे अनसेट स्टोरीज, फैक्ट्स, मिशंस और ट्रीटीज के बारे में जानकारी लेकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। ये सब अवेलेबल है कुकू एफएम पर, जहां पर 10,000 प्लस ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, वो भी डिफरेंट जॉनर्स में, जैसे साइंस, मोटिवेशन, करियर, लीडरशिप, सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक्स जैसे द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स, बिजनेस एटसेट्रा, वो भी लेस देन 2 रुपीस पर डे में एज कंपेयर टू बाइंग बुक्स। और इसीलिए कुकू एफएम पर करीब 2.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं। अगर इनके फीचर्स की बात करें तो ऑडियो बुक सुनते समय आप इन चैप्टर्स में अपने नोट्स भी बना सकते हो, और स्लीप टाइमर फीचर की मदद से आप इसमें स्लीप टाइम भी स्केड्यूल कर सकते हो, मतलब अगर नींद आ गई तो भी ऑडियो बुक अपने आप बंद हो जाएगा और फिर से वहीं से स्टार्ट भी हो जाएगा। और अब आप भी इस ऑडियो बुक के दुनिया का पार्ट बन सकते हो 50% डिस्काउंट के साथ। मतलब कुकू एफएम अपने सारे यूजर्स को फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर दे रहा है 50%, यानी कि सिर्फ 49 रुपीज में। ये ऑफर वैलिड है सिर्फ फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड व्हिच इज गेट सेट 50 फॉर 50% ऑफ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, और ये समझते हैं कि कैसे इस इस्लामिक लीडर बनने के ख्वाब ने इन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। दोनों भी देश एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। जमाल खशोगी इंसिडेंट की ही बात कर लो, जिसे टर्की ने आपदा में भी अवसर की तरह देखा। सो हुआ ये था कि साल 2018 2 अक्टूबर की दोपहर में सऊदी सिटीजन और वॉशिंगटन पोस्ट के सीनियर जर्नलिस्ट जमाल खशोगी इस्तांबुल के सऊदी एम्बेसी के अंदर गए, लेकिन बाहर नहीं लौटे। जमाल की फियांसे एम्बेसी के बाहर 6 बजे तक उनका इंतजार कर रही थी, पर जमाल का कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर 19 अक्टूबर 2018 में मालूम पड़ा कि जमाल खशोगी को असैसिनेट कर दिया गया था। वजह, खशोगी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सबसे बड़े क्रिटिक थे। दरअसल सऊदी प्रिंस ने अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में अपनी काफी मॉडरेट इमेज बिल्ड की हुई है, जिसके लिए पीआर एजेंसीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट जैसे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में जमाल के कॉलम्स बार बार प्रिंस का एक क्रूएल और डिक्टेटोरियल साइड दुनिया के सामने रख रहे थे। अब ये इन दोनों नेशंस के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि टर्की तो सऊदी की इस्लामिक वर्ल्ड में रेपुटेशन हैम्पर करने का एक मौका सदियों से ढूंढ रहा था, और ये बिल्कुल वही मौका था। और इसीलिए जमाल के मर्डर पर टर्किश प्रेसिडेंट ने ये कहा कि जिस किसी ने भी ये आदेश दिया है उसे जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या अर्डोगान एक जर्नलिस्ट के वेलविशर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंक के 180 देशों में जो देश खुद 149th नंबर पर आता है, उसे प्रेस और जर्नलिज्म की क्या चिंता होगी? तो पूरी स्टोरी यह है कि जमाल के बहाने अर्डोगान एक साथ अपने 3 एजेंडास को सेट कर रहे थे। पहला, इस इंसिडेंट ने अर्डोगान की वर्ल्ड लीडर की इमेज को कमजोर कर दिया था, लेकिन प्रोएक्टिव होकर अर्डोगान अपनी इमेज की सऊदी एम्बेसी में जमाल का असैसिनेशन हो गया है को बचाना चाहते थे। दूसरा, दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि वो प्रेस को लेकर कितने कंसर्न्ड है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अर्डोगान एक विक्टिम के साथ खड़े होकर मुस्लिम वर्ल्ड में खुद को एक मॉरल लीडर की तरह दिखाना चाहते थे। और इसीलिए टर्की ने मेजर न्यूज आउटलेट जैसे CNN को यह इन्फॉर्मेशन लीक की कि सऊदी से 15 हिटमैन की टीम जमाल को मारने आई थी, जिसको लीड सऊदी क्राउन प्रिंस के नजदीकी मिलिट्री ऑफिसर खुद कर रहे थे। अब फ्रेंड्स, इस चीज को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और देखते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट और एशिया से लेकर अफ्रीका तक दोनों ही देश अपने मनी और इन्फ्लुएंस का यूज करके एक दूसरे से कैसे लड़ रहे हैं। अब इस लड़ाई की रणभूमि समय और जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज जरूर हो रही है, लेकिन इस लड़ाई को फुल स्विंग में पैशनेटली लड़ने के लिए दोनों भी देशों ने एक दूसरे के एलाइज को अपने साइड करने का एक टग ऑफ वॉर ही छेड़ दिया। जैसे कि इजिप्ट को ही ले लो,
साल 2012 में मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी के मोहम्मद मोरसी इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बनते हैं। एंड डोंट फॉरगेट ओवर हियर, इजिप्ट में 32 सालों बाद इलेक्शन हो रहे थे। दरअसल इजिप्ट के जनता ने अपने डिक्टेटर को उखाड़ फेंका था और इजिप्शियंस बहुत ही खुश थे, लेकिन सऊदी को मोरसी और मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रॉब्लम थी। मुस्लिम ब्रदरहुड एक्चुअली टर्की के सॉफ्ट इस्लाम का पॉलिटिकल विंग है, सो जाहिर सी बात है इस ऑर्गेनाइजेशन को सऊदी अपने रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा मानता है। सऊदी इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुका है। अब एक्चुअली देखा जाए ना तो मुस्लिम ब्रदरहुड खुद को प्रो डेमोक्रेसी दिखा रहा है, लेकिन हमास जैसे टेरर ग्रुप से खुद एफिलिएटेड है। अब हमास को, जैसे आपको पता होगा, द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, द यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड किंगडम ऑलरेडी एक टेररिस्ट ग्रुप मान चुका है। इसके अलावा अलकायदा का सेकंड कमांड अयमान अल ज़वेरी भी यहाँ का फॉर्मर ब्रदरहुड था। तो मोरसी को हटाने के लिए सऊदी ने इजिप्शियन मिलिट्री को खूब पैसे दिए और एक साल बाद ही मिलिट्री ने मोरसी को उसके पद से हटा दिया। और अब जो नया मिलिट्री डिक्टेटर वहाँ पर है वो सऊदी सपोर्टर है। सो टर्की का एक क्लोज एलाय अब सऊदी के इन्फ्लुएंस में है। वहीं पर 2017 में टर्की ने सऊदी के अलाय कतर को अपनी चाल चल के अपने साथ ले लिया। बात यह है ना कि गल्फ कोऑपरेशनल काउंसिल लाइक कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कुवैत, यूएई, ये 6 मेंबर स्टेट्स हैं जिसका लीडर सऊदी खुद को मानता है। सऊदी ने आरोप लगाया कि कतर मुस्लिम ब्रदरहुड का सपोर्टर है और अल जजीरा, जो कि कतर की गवर्नमेंट का न्यूज चैनल है, उसे उसने मुस्लिम ब्रदरहुड का माउथपीस बना रखा है। इससे नाराज होकर सऊदी ने 2017 में कतर का एयर, सी और लैंड ब्लॉकेट करवा दिया। मगर ऐसा होते ही सबसे पहले मदद के लिए आए प्रेसिडेंट अर्डोगान। टर्की ने अपने थ्रू कतर को डेयरी, फूड और दूसरे डेली यूज के सामान कार्गो से पहुंचाए और साथ ही 3000 टर्किश आर्मी पर्सनल्स को भी कतर भेजा गया। लेकिन जाहिर सी बात है सऊदी टर्की के इस मूव से जरा भी खुश नहीं था और इसीलिए सऊदी ने फिर एक कदम और आगे जाके अपने मार्केट से टर्किश प्रोडक्ट्स को बाहर निकलवा दिया। एंड फाइनली इन द एंड टर्की को एक एलाय तो मिला, लेकिन एट द सेम टाइम उसे कुछ इकोनॉमिकल नुकसान भी झेलना पड़ा। 2023 में ऐसा ही नुकसान टर्की को लिबिया में भी हुआ, जो पहले उसका एक मेजर एलाय हुआ करता था। वहाँ के कोर्ट ने एक लिबियन कंपनी के साथ की हुई एनर्जी डील को ही कैंसिल करवा दिया और एक्सपर्ट्स मानते हैं इसके पीछे सऊदी इन्फ्लुएंस का हाथ था। अब फ्रेंड्स, सऊदी और टर्की के इसी दुश्मनी की अगर गहराई में जाए ना तो ये दिखता है कि दोनों की एनिमिटी हिस्टोरिकल रीजंस के वजह से भी है। हिस्टोरिकली ऑटोमन एम्पायर से अलग सऊदी स्टेट बनाने के लिए 19 सेंचुरी से ही हाउस ऑफ सऊद एफर्ट कर रहा था, लेकिन एम्पायर ने सऊद रिबेल्स को बुरी तरीके से क्रश करके उनके रिलीजियस लीडर्स को ही एग्जीक्यूट करवा दिया। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के साथ एक इंडिपेंडेंट सऊदी स्टेट का उदय हुआ और लगभग इसी टाइम के अराउंड सऊद्स ने मक्का और मदीना का भी कंट्रोल ले लिया, जो कंट्रोल 1517 से ही ऑटोमन हाशिमाइट रूलर्स के अंडर था। लेकिन एम्पायर गिरने के साथ ही इन सेंटर्स का कंट्रोल सऊद्स ने अपने हाथ में ले लिया और सऊद्स मक्का मदीना के नाम पर खुद को न्यू कैलिफेट बनाना चाहते थे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये कैलिफेट का आइडिया इस मॉडर्न टाइम में सच में वर्किंग भी है, क्योंकि सऊदीज यमन में मुस्लिम्स को ही मार रहे हैं, इसराइल के साथ दोस्ती बढ़ाई जा रही है, तो वहीं पर टर्की अपने एजेंडा के लिए सीरियन मुस्लिम्स पर बॉम्ब्स गिरा रहा है। सो इस मामले को अगर आप थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करोगे ना तो यहाँ पर बात रिलीजियन या असली इस्लाम की तो है ही नहीं है। रिलीजियन को बस सिर्फ एज अ टूल यूज किया जा रहा है अपने जियोपॉलिटिकल पावर और सिग्निफिकेंस को गेन करने के लिए, जैसा हमेशा से ही किया जाता था। अगर देखा जाए तो टर्की नेटो मेंबर होते हुए भी रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। वहीं पर अगर सऊदी की बात करें तो ओसामा बिन लादेन और 9/11 अटैक में 19 में से 15 टेररिस्ट सऊदी के थे, लेकिन यूएस ने कभी सऊदी पर मिलिट्री अटैक ही नहीं किया, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस ना शिफ्टिंग सैंड की तरह होती है। और अगर स्पेशली कैलिफेट की रेस की बात करें तो 1924 में मॉडर्न टर्की के फाउंडर मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने ये कहते हुए कैलिफेट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था कि मॉडर्न वर्ल्ड में ये इंस्टीट्यूशंस ना तो रेलेवेंट है और ना ही नेसेसरी। सो देन कम्स द क्वेश्चन कि क्या रिलीजियन टर्की और सऊदी के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का एक टूल है, कि क्या वो सच में अपने रिलीजन को लेकर सीरियस भी है और मानते भी है क्या? क्योंकि सऊदी अरेबिया के रीसेंट आप अगर पॉलिसीज देखोगे ना तो वो सब कंप्लीटली एंटी इस्लामिक है। बेसिकली सऊदी भी टर्की के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल फिर भी इस्लाम को लेकर अपने स्टैंड को विदड्रॉ नहीं कर रहा। इस विषय पर हम कल ही एक डिटेल वीडियो रिलीज करने वाले हैं, जिसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना करें। और अगर सऊदी के बारे में अननोन फैक्ट्स और स्टोरीज आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर लो, गेट सेट 50 यूज करो 50% ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।